तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव कुछ लव मैं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर एक PUBG लेवर हो तो फ्रेंड्स आज का जो VFX वीडियो है आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा उस वीडियो को दोस्तों फर्स्ट बार इस भाइयों ने बनाकर अपलोड किया है। जैसे गाइस इस भाई ने इस वीडियो को बनाकर अपलोड किया है, मैं दोस्तों जब ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों 4.2 मिलियन व्यूज आ गए हैं और दोस्तों देख रहा हूँ कि इसमें अच्छे खासे हार्ट भी उनके इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों आपको अगर सीखना है कि इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो का आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा। गाइस, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप दोस्तों एसकाई के सामने गाइस कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। जिस तरह दोस्तों मैंने यहां पर एक्टिंग किया है, आप भी गाइस कुछ इसी तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको फ्रेंड्स आपको ओपन करना है। तो दोस्तों चलिए अपने काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर वहां पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब दोस्तों आपको बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस बारे न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर आपका जो टिकटॉक बनाने का एक्सपेक्ट रेशियो है वो है आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब जो आपको क्या करना है, जो आपको राइट साइड में यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए उस वाले वीडियो गाइस आप सिलेक्शन कीजिएगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो के ऑडियो को आप कुछ इस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद गाइस आप सीधा इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने पबजी का दोस्तों जो लोगो है उसको दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले लोगो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस लोगो को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपको लोगो का दोस्तों जो PNG है उसको फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो लोगों का PNG है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, कुछ इस तरह से पकड़ के इसको अपने स्काई में यहाँ पर पहुँचाइएगा। पहुँचाने के बाद आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक आपको कर देना होगा। कर देने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इस फाइल में आप कुछ इस तरह क्लिक कीजिएगा। और गाइस आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी ऑप्शन के बीच फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले ओपेसिटी में क्लिक करके इसको फ्रेंड्स आप कुछ इस तरह से घटा लीजिएगा अपने हिसाब से। गाइस इसको अपने वीडियो के हिसाब से कुछ इस तरह घटा लीजिएगा ताकि दोस्तों इसका जो चमक हो थोड़ा कम हो। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आना होगा। और आने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को अपना प्ले करना है। और प्ले करके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इस जगह पे आइएगा, इस जगह पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह क्लिक करना है। और ऊपर में दोस्तों जो सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले सीजर में आपको क्लिक करना होगा और अपने वीडियो को डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड कर देने के बाद आप उसी फाइल में कुछ इसे क्लिक कीजिएगा। और गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओवरले एनिमेशन लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका दोस्तों जो PNG यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट होने लगेगा। अब दोस्तों अपना वीडियो अगर आप शुरू से प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दे सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले शेयर में आपको क्लिक करना है और आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना होगा। अब दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।